हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि हाउ टू प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब मैं उसी के आगे मैं बढ़ता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 80% चीज़ें 70% चीज़ें क्या है आपको 11th में जो आपने पढ़ा था फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया, जिसमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना था, वो आप जानते हैं। हालांकि वो बताया जाएगा, लेकिन आप पहले से थोड़ा आइडिया है। लेकिन मैंने कहा था आपसे कि जो 20 से 30% चीज़ें आपको सीखनी है, जिसमें डिफ़िकल्टीज़ होगा, वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसी 20% पे मेरा फोकस है, मैं आपको कोशिश करता हूँ उसको बताने का। उसमें पहला पॉइंट है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फ़ंड बेस्ड का मतलब क्या होता है, एक पहले मैं एग्ज़ाम्पल ही देता हूँ जिसके लिए मैंने लिखा है क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, इसका मतलब ये हुआ, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सपोज़ दैट आपको एक बाइक लेनी है, तो आपको पापा या मम्मी जो पॉकेट मनी देते हैं उसमें से क्या 2000-1000 रुपये आप क्या कर रहे हो, बचा के रख रहे हो। क्यों? आपका स्पेसिफिक पर्पस क्या है, आपको बाइक लेना है। उसी तरह एक बिजनेसमैन क्या होता है कि उसे पता होता है कि कुछ खर्चे हमारे, कुछ एक्सपेंडिचर सर्टेन है जिसके लिए पैसे हमें चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या करता है अपने प्रॉफिट में से ही कुछ पैसे निकाल कर वो फंड के तौर पे, फंड के फॉर्म में वो रख लेता है। उन खर्चों को वो क्या करता है, उन एक्सपेंडिचर को वो इससे एडजस्ट करता है। ठीक है, क्लियर, ओके। तो मैं इसको अब मैं कुछ एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। आइए देखते पहला, इसमें देखिए पहला पॉइंट एग्जांपल ए, टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर। मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो खेल कराती है, जैसे बीसीसीआई ले लीजिए, खेल कराती है, तो उसका टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर क्या है, 15,000 रुपये है जो आपको दिख रहा है। अच्छा, अब इसको हम कहाँ दिखाएंगे, हमने बताया था रिसिप्ट पेमेंट बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो रिसिप्ट पेमेंट में तो आपका ये था कि जो भी इनकम होगा, जो भी पैसे आएंगे वो रिसिप्ट में जो पैसे जाएंगे। लेकिन अब अगला स्टेप हम लोग सीखने जा रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर, उसका छोटा सा हिस्सा ही। इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है तो उसका छोटा सा स्पेसिफिक हिस्सा ही दिया है टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर, तो 15,000। तो जाहिर सी बात है इसके लिए मैंने फ़ंड तैयार नहीं किया, फ़ंड नहीं है, क्योंकि हमारे खर्चे बहुत छोटे हैं, क्या ज़रूरत है। तो इसको कहाँ शो अप कराएंगे हम लोग, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ शो अप कराएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। शो कराने का तरीका क्या है, आप कॉलम खींचोगे, ये लाइटली मैंने एग्जांपल दिया, कॉलम खींचोगे इनकम एक्सपेंडिचर है फॉर द ईयर एंडेड, एक्सपेंडिचर साइड में आपने दिखा दिया, ओके। यानी यहाँ पे अभी कोई फंड क्रिएट नहीं हुआ है। फिर आगे आते हैं बी पॉइंट, इसमें दिया हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर 20,000 और टूर्नामेंट रिसिप्ट 25,000, क्लियर। अब इसको कैसे दिखाएंगे, जाहिर सी बात है उसको दिखाएंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको कैसे दिखाना है, देखिए आपका, आप चाहे तो अलग अलग दिखा सकते हो, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हो और इनकम को इनकम में दिखा सकते हो, लेकिन आप दोनों को एक साथ भी दिखा सकते हो। किस तरीके से, ये जैसे हमारा अभी देखा जाए रिसिप्ट क्या है, 25,000 है और एक्सपेंडिचर कितना है 20,000, तो जाहिर सी बात है रिसिप्ट ज़्यादा है, तो रिसिप्ट साइड में आएंगे, रिसिप्ट टोटल टूर्नामेंट रिसिप्ट लिखेंगे 25,000, उसमें हम लोग एक्सपेंडिचर एडजस्ट कर लेंगे 20,000, 5,000 बाहर वाले कॉलम में दिखा देंगे, डन। अगर नहीं तो आप सिंपली दिखा सकते हो एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में और इनकम को यानी रिसिप्ट को रिसिप्ट। लेकिन अगर एक क्वेश्चन ये उठता है, सर अगर मान लीजिए टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर होता 40,000, रिसिप्ट होता 25,000, तो क्या करते, जाहिर से बात एक्सपेंड जाता है, तो एक्सपेंडिचर में 40,000 यहाँ लिखते और 25,000 यहाँ एडजस्ट करके बाहर दिखा देते, क्लियर। अब आते हैं, आगे चलते हैं, हमारा है सी पॉइंट है टूर्नामेंट फंड। अब देखिए यहाँ स्पेशली आपने बना लिया फंड, यानी अब एक्सपेंडिचर हो सकते हैं ज़्यादा हो कम हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपने एक स्पेसिफिक फ़ंड बना लिया, क्योंकि आपका पर्पस है कि हमारे जो भी खर्चे होंगे हम इसी से एडजस्ट करेंगे। उसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि टूर्नामेंट फंड आपका 50,000 है, एक्सपेंडिचर क्या है
9,000 है, रिसिप्ट से अभी क्यों फिलहाल कोई मतलब नहीं है, फंड आपका ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, यानी कंडीशन ये है द फंड इज मोर देन एक्सपेंडिचर, फंड क्या हो एक्सपेंडिचर से मोर देन हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना है ये दोनों इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगे, मैंने क्या बोला नहीं जाएंगे, क्योंकि फंड आपका ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट कम है, इसके कंपैरिजन में दिख रहा है आपको, इसके कंपैरिजन में ये दोनों कम है, तो ये दोनों अब हम कहाँ इनकम एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे, ठीक है, अब हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, इसको हम लोग कहाँ शो करेंगे बैलेंस शीट में, कैसे बैलेंस शीट का मैंने ये फॉर्मेट बनाया, बैलेंस शीट ये है आपके सामने, बैलेंस शीट है लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स, ये टूर्नामेंट फंड मैंने लिखा 50,000, क्लियर, अब उसमें हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है टूर्नामेंट फंड मैंने बताया है बनाया है, उसमें कहीं से टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई हमें पैसा दे रहा है या हमें प्रमोट कर रहा है, तो वो हमें जो भी देगा वो उस फंड में तो ऐड कर लेंगे, उसी फंड में रख लेंगे, तो हमारा फंड कितना है 50,000, टूर्नामेंट रिसिप्ट है ऐड हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं रिसिप्ट को, तो हो गया 65,000, और उसमें से हम लोग लेस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर, और एडजस्टमेंट करने के बाद आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट करने के बाद आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट द शो द अमाउंट आउटसाइड कॉलम, क्लियर डन, इस कंडीशन में आपको याद रखना है व्हेन द फंड इज मोर देन एक्सपेंडिचर, फंड इज मोर देन, लेकिन अब दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन ये है आपका कि टूर्नामेंट फंड आपका कितना है, टूर्नामेंट फंड आपका दिया है 20,000, टूर्नामेंट फंड आपका दिया हुआ कितना 20,000, एक्सपेंडिचर 45,000, रिसिप्ट कितना है 10,000, अब देखिए क्या है आपका कि फंड क्या है लेस देन है, फंड क्या है लेस देन है एक्सपेंडिचर से, अब इसको बैलेंस शीट में नहीं शो कराएंगे, तो हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, एक्सपेंडिचर हमारा जाता है सॉरी बताइए, एक्सपेंडिचर आपका जाता है इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अगर फंड आपका ज़्यादा है, फंड हमेशा याद रखिएगा ज़्यादा रहेगा एक्सपेंसेस है, तो फंड हमेशा लाइबिलिटी साइड में ही शो होता है, यानी बैलेंस शीट में ही आएगा, कब एक्सपेंडिचर से ज़्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है फंड आपका कम पड़ गया है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब एक्सपेंडिचर हमारा इनकम एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, ठीक, तो उसके लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे ये आपके सामने इनकम एक्सपेंडिचर शॉर्टकट में मैंने बनाया, आपने पहले फॉर्मेट देख ही लिया कि कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर 45,000, उसमें से फंड को एडजस्ट कर लेंगे, फंड को क्या करेंगे यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो फंड इससे डिडक्ट हो जाएगा, अभी और खर्च है आपको करने एक्स्ट्रा कितना करना है, अभी फंड को एडजस्ट करने के बाद 25,000 और एडजस्ट करना है आपको, 25,000 है, और फिर रिसिप्ट कितना है, रिसिप्ट बाहरी मिला जो आपको फंड को प्रमोट करने या एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करने के लिए रिसिप्ट कितना हुआ 10,000, इसको भी एडजस्ट कर देंगे लेस कर देंगे, ठीक है, और हमें 15,000 इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, क्लियर समझ में आई मेरी बात, ये था इसके आगे आपको ये समझना है, क्लियर है, इससे रिलेटेड और लिखना, ओके, तो बिजनेसमैन क्या करता है फंड उसने बनाया, अब इससे रिलेटेड जो भी आइटम हमको मिलेगा जैसे डोनेशन कहीं से मिल रहा है तो इसी का हिस्सा है, जब ये माइनस हो रहा है तो ये भी माइनस होगा, टिकट सेल्स कर रहे हैं टूर्नामेंट के लिए ही हो रहा है, टूर्नामेंट पे जो होता है उस पे सेल्स करेंगे जो टिकट इसी का हिस्सा है, इसी से इनकम ये भी इस पे ऐड होगा, जब इसमें ये ऐड होगा तो जाहिर सी बात है ये माइनस हो रहा है तो ये सब माइनस होंगे, ओके, टूर्नामेंट रिसीव है तो फंड जो भी मिलेगा फंड में ही ऐड करेंगे, जब फंड माइनस हो रहा है तो ये सब भी माइनस होंगे, ठीक है, ओके, आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ये मैंने इतना ही क्वेश्चन आपको बताया, कितना अगर ये है तो इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको कंपैरिजन करना है किससे, टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर और टूर्नामेंट फंड, जब एक्सपेंडिचर टूर्नामेंट फंड से ज़्यादा होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर में एडजस्टमेंट पूरा होगा,
अब इस पार्ट को देखते हैं। सपोज इट, मान लीजिए कि उल्टा मैं कर देता हूँ, एक्सपेंडिचर आपका हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया कितना, टूर्नामेंट फंड हो गया आपका 52,000, टूर्नामेंट फंड मैंने कर दिया 52,000, और एक्सपेंडिचर कितना हो गया 26,000, यानी एक्सपेंडिचर अब कम हो गया, अब फंड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अब हम इसको कहाँ दिखाएंगे पूरा एडजस्टमेंट, ये पूरा एडजस्टमेंट कहाँ जाएगा, अब हमारा ये एडजस्टमेंट आएगा बैलेंस शीट में। कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तो इस तरीके से होगा, टूर्नामेंट फंड लिख लेंगे, और जो जो फंड में ऐड होना है, जैसा कि मैंने बताया था, मिलेगा तो वो ऐड होगा, जो भी फंड में आपके इंक्रीमेंट करेगा वो ऐड होगा। यानी अगर ऊपर देखें, एक्सपेंडिचर लिखने पे जो भी माइनस हो रहा था वो अपोजिट हो गया, यहाँ सब ऐड हो गया, लास्ट में एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए, लास्ट में एक्सपेंडिचर मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद बाहर अमाउंट लिख देंगे। ठीक, बाहर अमाउंट क्लियर हुआ, ये अमाउंट 52 में से 4,000, 18,000, 2,000 ऐड करो आप, तो ये पूरा ऐड कर लो, 52 में 4, 56 हो गया 18, ये यहाँ तक ऐड हो जाएगा, इतना ऐड करने के बाद इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है, 2,000 रुपीज़ बाहर, डन। इसके आगे अगला एग्जाम्पल है, सॉरी एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवेलियन 2 लाख रुपीज़, पेवेलियन फंड है आपका 5 लाख, डोनेशन फॉर द पेवेलियन 1 लाख, कैपिटल फंड 7। ठीक है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आपके सामने होगा तो पहला काम है फंड और एक्सपेंडिचर में कंपैरिजन आपको करना है। ठीक है, फंड, ठीक है, फंड और एक्सपेंडिचर में कंपैरिजन, दोनों में से ज़्यादा कौन है, फंड। तो हम लोग को पूरा ये एडजस्टमेंट कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में। अगर ये उल्टा होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता तो हम लोग कहाँ दिखाते, इनकम एक्सपेंडिचर में। ओके, लेकिन इसमें एक नोट्स लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, अगर जिस क्वेश्चन में लग जाएगा थोड़ा सा चेंजेस आएगा। कंस्ट्रक्शंस ऑफ पेवेलियन येट नॉट कंप्लीटेड, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये वर्क इन प्रोग्रेस है। क्या है, जब कोई भी एक्सपेंडिचर पूरी तरीके से नहीं होता है विद इन 1 ईयर, तो उसे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा देखिएगा। फिलहाल इसको मैं लास्ट में ऐड करूंगा, पहले आपको करना क्या है, फंड और एक्सपेंडिचर में कंपैरिजन करना होता है, क्लियर है। कंपैरिजन करके देखेंगे कौन सा फंड ज़्यादा है तो हम लोग को बैलेंस शीट में पूरा एडजस्टमेंट दिखाना है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। पहले तो ये याद रखिएगा, कंस्ट्रक्शंस ऑफ द पेवेलियन येट नॉट कंप्लीटेड, इसका